हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। सो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। So, आज हम करेंगे डिस्कस CMA करें या CFA करें। ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि मैम CMA बेटर है या CFA बेटर है। So, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे CMA और CFA में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस टाइप की जॉब्स लगती हैं दोनों डिग्रीज करने के बाद, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ड्यूरेशन है दोनों कोर्सेज की। सो आज डिटेल डिस्कशन रहेगी CMA या CFA के बारे में, और उसके बाद आप चूज कर सकते हो CMA करें या CFA करें। सो लेट्स बिगिन। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, अगर आपने क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम से करी है सो उसके बाद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री में हमें वर्क करना चाहिए। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, सो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बहुत कम करियर ऑप्शंस होते थे, बट आजकल के टाइम में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, आजकल के टाइम में कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बट जो कोर फील्ड्स हैं वो फाइनेंस या तो अकाउंटिंग ही रहती है। जो और अदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने क्लास 12th कॉमर्स से पास करी है सो इसके बाद उन्हें या तो CA कर लेना चाहिए या BCom कर लेना चाहिए या BBA कर लेना चाहिए। सो उनका माइंड इन छोटे मोटे करियर्स पे ही स्टक रहता है। बट बेसिकली क्या है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि इन करियर्स के अलावा भी बहुत सारे और करियर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। सो आज हम जानेंगे इन्हीं करियर्स के बारे में, और ये करियर्स हैं CFA या CMA। पहले हम जानते हैं CFA के बारे में। सो CFA की फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। ये उन बच्चों के द्वारा परस्यू की जाती है जिनका एम है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में वर्क करना या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वर्क करना। बट अगर मैं CMA की बात करूं सो CMA स्टैंड करता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका इंक्लिनेशन है अकाउंटिंग के थ्रू। और CFA और CMA दोनों स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, और दोनों कॉमर्स के अंदर ही जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। अगर आपका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो आप CFA प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में सो तब आप CMA कर सकते हो। सो अगर हम CFA के बारे में बात करें सो ये सबसे ज्यादा रेप्यूटेड डिग्री है फाइनेंस फील्ड के अंदर। जिनको आपका करियर बनाना है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर सो वो CFA कर सकते हैं। सो इससे आपकी जॉब लग सकती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और इन दोनों करियर्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आजकल के टाइम में। जो मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं जिनको अपना सॉलिड करियर बनाना है वो इन्हीं फील्ड्स के तरफ ही जाते हैं। सो CFA बहुत अच्छी डिग्री है और आप काफी अच्छी जॉब्स दिला सकती है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट सेक्टर या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं सो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के सो आप CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और कुछ केसेस में अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं भी हुई है तभी भी आप CFA के लिए एलिजिबल हो, बट आपको 4 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तब आप
सीएफए लेवल वन की तैयारी कर सकते हो, और दूसरा केस ये रहेगा कि आप ग्रेजुएट नहीं हो, तभी भी आपका 4 इयर्स का बेसिकली मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तब आप एलिजिबल हो सीएफए के लिए। सो अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं, सो इसमें बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं एग्जामिनेशन के, सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 एंड सीएफए लेवल 3। आपको ये तीनों लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको सीएफए बनना है तो। और हर एक लेवल के अंदर सेम 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट जो इसकी मार्किंग वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। और जो मेजर सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं सीएफए के अंदर वो है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। सो ये बेसिकली कोर्स कवर किया जाता है सीएफए के अंदर। और सीएफए एक ऐसी डिग्री है जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। सो एक सीएफए अगर आपने करा हुआ है, सो आप बाहर की कंट्रीज लाइक यूएसए, हांगकांग, कनाडा, यूके, इंडिया, इन सब कंट्रीज में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो। अगर आपने तीनों लेवल्स क्लियर नहीं किए, सिर्फ 1 और 2 लेवल ही क्लियर किए, सो आप बेसिक जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप सीए, एसीसीए, एमबीए, इन सबके साथ भी आप सीएफए की डिग्री कर सकते हो, इससे आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज ही होगा। और अगर मैं सीएमए की बात करूं, सो सीएमए स्टैंड करता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें आपको नॉलेज मिलेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। सो ये भी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, और जो इसके क्वालिफिकेशन है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं लाइक मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूएसए। और लास्ट फ्यू ईयर्स में इस डिग्री की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज में भी। सो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को अच्छी नॉलेज मिली है सीएमए डिग्री के थ्रू। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, सो स्टूडेंट्स बेसिकली सीएमए कर सकते हैं 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद भी। अगर आपको सर्टिफाइड सीएमए बनना है, सो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है, 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आईएमए की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सीएमए बनने के लिए आपको 2 पार्ट्स में बेसिकली सिलेबस करना होगा, सीएमए पार्ट 1 एंड सीएमए पार्ट 2, और ये दोनों पार्ट 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। सीएमए पार्ट 1 में सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनालिसिस। और पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिसीजन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और प्रोफेशनल एथिक्स। और सीएमए भी एक ऐसी डिग्री है जो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बहुत सारी कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, यूके में इसको बेसिकली मिली हुई है ग्लोबल रिकॉग्निशन। सो आपको सीएमए यूएस तब सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपको अपना करियर बनाना है मैनेजमेंट साइड या अकाउंटिंग साइड में। सो आपने अगर 12th क्लास पास कर ली है, अपनी ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। अगर मैं सीआईएमए की बात करूँ, सो वो लॉन्गर करेगा एज कम्पेयर टू सीएमए यूएस। और आपको सीएफए तब सिलेक्ट करना चाहिए तब आपको लगता है कि आपको बेसिकली जॉब चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। सो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट आप सीएफए तभी भी कर सकते हो सीए के साथ भी, या एमबीए के साथ भी, एसीसीए के साथ भी। सो इससे आपका करियर इंक्रीज ही होगा। सो आज हमने जाना बेसिक डिफरेंस सीएफए और सीएमए के बारे में। ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं श्रुति मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ।